हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स कुछ दिन पहले मैं रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक पढ़ रहा था, रिच डैड पुअर डैड, जिसकी समरी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। तो जब मैं वो बुक पढ़ रहा था तो बुक के स्टार्टिंग में ऑथर अपने रिच डैड और पुअर डैड के बीच में डिफरेंस बताते हैं। उन्हीं डिफरेंसेस में से एक डिफरेंस वो ये बताते हैं कि उनके एक डैड अपने बिल्स पहले भरते हैं और दूसरे डैड अपने बिल्स एंड में भरते हैं। पहले तो मुझे लगा कि उनके रिच डैड अपने बिल्स पहले भरते होंगे और उनके पुअर डैड अपने बिल्स एंड में भरते होंगे, बट जैसे जैसे मैंने बुक और ज़्यादा पढ़ी मुझे पता चला कि मैं गलत था। उनके रिच डैड नहीं बल्कि उनके पुअर डैड अपने बिल्स पहले भरते थे और उनके रिच डैड अपने बिल्स एंड में भरते थे। फ्रेंड्स उनके रिच डैड ये नहीं कहते थे कि बिल टाइम पे नहीं भरना चाहिए, बिल टाइम पे भरना चाहिए बट एंड में। एंड का मतलब ये नहीं कि मंथ के एंड में। देखो मैं समझाता हूँ, जैसे किसी पुअर और मिडिल क्लास पर्सन को जब सैलरी मिलती है तब वो क्या करता है, पहले वो सारे एक्सपेंसेस पूरे करता है, बिल्स भरता है और फिर जो एंड में बच जाता है उसे सेव कर लेता है, और फिर जो सेव करता है उसे भी बाद में ज़रूरत के वक्त एक्सपेंसेस के लिए ही यूज़ करता है, जबकि रिच पीपल सारे एक्सपेंसेस और बिल्स एंड में भरते हैं और सबसे पहले वो अपने लिए पैसे निकालते हैं। मतलब जैसे मैं आपको अपनी हाउ टू बिकम रिच वाली वीडियो में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया था, अगर अभी शॉर्ट में बताऊँ तो एसेट वो चीज़ होती है जिससे आपके पास पैसे आते हैं और लाइबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपसे पैसे लेती है। जैसे आपने घर लिया और उसे रेंट पर दे दिया, अब हर मंथ आपको उसका रेंट मिलेगा तो ये एक एसेट है, और दूसरी तरफ आपने कार खरीदी और उसे पर्सनली यूज़ किया, अब हर मंथ आपको उसके एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे तो ये एक लायबिलिटी है। रिच पीपल जब अर्न करते हैं तो सबसे पहले वो पैसे एसेट कॉलम में डालते हैं, मतलब सेव कर लेते हैं, जिनसे फिर वो अपने लिए एसेट बाय करते हैं और फिर जो बच जाते हैं उनसे एक्सपेंसेस और बिल्स पूरे करते हैं। जब ऑथर ने अपने रिच डैड से पूछा कि अगर हमारी इतनी इनकम हो ही ना क्या हम सेव कर सकें और बस इतनी ही इनकम हो जिससे हम बस अपने एक्सपेंस ही पूरे कर सकें, तो रिच डैड ने कहा कि पुअर मिडिल क्लास का यही प्रॉब्लम है, उनकी इतनी इनकम होती ही नहीं है कि वो कुछ सेव कर सकें और यही सोचकर वो कभी सेव करते ही नहीं, और अगर सेव करते भी हैं तो उसे फिर से अपने एक्सपेंसेस के लिए ही यूज़ करते हैं। रिच डैड कहते हैं कि इनकम चाहे जितनी भी हो बट सबसे पहले इनकम आ जाने के बाद पैसे अपने एसेट कॉलम में डालो और फिर जो बच जाएँ उनसे अपने एक्सपेंसेस पूरे करो। तो ऑथर अपने डैड से पूछते हैं कि अगर हमारे पास इतने पैसे बचे ही ना जिनसे हम अपने एक्सपेंसेस पूरे कर सकें तो रिच डैड कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है बट ऐसी जब भी कोई सिचुएशन आती है तो मैं पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढना शुरू कर देता हूँ और किसी ना किसी तरह अपने बिल्स भर ही देता हूँ, बट चाहे जितना भी प्रेशर हो जितनी भी परेशानी हो जाए एक बार मैं जो पैसे एसेट कॉलम में डाल देता हूँ वो फिर से नहीं निकालता। रिच डैड कहते हैं कि हम जब बिल्स पे नहीं करते तब गवर्नमेंट हमें प्रेशराइज करती है जिससे हम फिर पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब हम बिल्स पहले भर देते हैं तब एसेट कॉलम में पैसे डालने के लिए हमें कोई प्रेशराइज नहीं करता जिससे फिर हम कोई पैसे कमाने के तरीके नहीं ढूंढते और रिलैक्स रहते हैं। फ्रेंड्स एक बात याद रहे, एक बार एसेट कॉलम में पैसे डालने के बाद आप पर चाहे बिल्स का जितना ही प्रेशर हो आप एसेट कॉलम से पैसे नहीं निकालेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको एसेट और लायबिलिटी के बारे में डिटेल में जानना हो तो आप मेरी हाउ टू बिकम रिच वाली वीडियो में देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो फ्रेंड्स याद रहे अब आपके पास जब भी इनकम है तो सबसे पहले पैसे एसेट कॉलम में डालना और उसके बाद बिल्स पे करना। अच्छा फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने कमेंट्स दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय।